हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ राधिका पैरिश ब्लॉग वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे शाम के 4 और आज का वीडियो हम शाम के 4 बजे से शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स। और अभी ना मैं शाम वाली झाड़ू लगा ले रही हूँ, तो सोचा ना यहीं से आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले ना यहाँ पर झाड़ू कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना बाकी का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो फर्स्ट बार आए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट तो कर देते हैं लेकिन आप लोग जो है ना मतलब लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर ना मैं सबसे पहला जो है ना शाम का झाड़ू यहाँ पर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम वाली झाड़ू कर लिए थे, उसके बाद ना यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ मतलब दोपहर का खाया पिया ये बर्तन जो है ना, तो सोचे कि चलो झाड़ू हो गया ना तो अब बर्तन भी धो देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इंडियन हाउसवाइफ का जो है ना डेली रूटीन वो तो करना ही होता है। छोटे बड़े हजारों अनगिनत कामों के साथ हम इंडियन हाउसवाइफ का सुबह से लेकर शाम तक की जो है ना मतलब काम करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं बर्तन की धुलाई। और यहाँ पे बर्तन को हम अच्छे से मैस लेते हैं, उसके बाद चलिए धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, झाड़ू और बर्तन भी हो गया था, तो झाड़ू बर्तन तो कर लिए, झाड़ू भी लगा लिए, बर्तन भी धो लिए। तो चलिए अब ना फेस वॉश भी कर लेते हैं। बहुत ही तेज ना गर्मी लगती है, झाड़ू बर्तन करने के बाद जो है ना ऐसे रहने का तो मन ही नहीं करता। और शाम भी होने वाली है तो इस टाइम तो फेस वॉश होना भी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ना हम फेस वॉश भी कर लिए और बाल भी बना लेंगे क्योंकि कंघी नहीं की हैं, इसी तरह हैं, देख सकते होंगे। बस खाए थे ना उसके बाद जो है ना खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किए थे, तो सोचे चलो अब काम हो गया है शाम का तो कंघी भी कर लेते हैं। और ज़्यादा मेकअप सेकअप तो नहीं करते हैं घर में, बहुत ही सिंपल रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे ना बाल को भी मोनिटर उसी तरह कर लेते हैं क्योंकि लंबे बाल में ना फ्रेंड्स दिक्कत हो जाती है खुला। तो चलिए वहाँ मतलब ना हम सारा काम निपटाने के बाद ना फ्रेंड्स कंघी कर लिए थे, उसके बाद ना थोड़े से मतलब टाइम बचा हुआ था, शाम होने वाली है तो अभी शाम हुई नहीं है, तो सोचे ना संध्या बत्ती करने से पहले ना थोड़े से कपड़े हैं जो इसको भी रख देते हैं, अच्छे से मोड़ लेते हैं क्योंकि कल टाइम नहीं मिली थी हमको, कपड़े ज़्यादा हो गया था ना धोए थे तो मतलब फोल्ड करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि घर में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना फ्रेंड्स की समझ नहीं आती क्या करें क्या ना करें। और जब भी टाइम मिल जाओ ना तभी काम निपटा लो तो अच्छा रहता है।
तो फ्रेंड्स शाम हो गई थी, तो अभी मैं संध्यावती कर ले रही हूँ और कपड़े उपड़े ना सारे काम जो है ना हो चुका था, तो सोचे चलो अब संध्या भी कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है ना रात का डिनर तैयार करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स मेरे वीडियो पर और पूरा जरूर देखिएगा ब्लॉग को। तो कर ले रहे हैं हम यहाँ पर संध्या। तो फ्रेंड्स हो चुकी थी मेरे शाम की संध्या बत्ती, उसके बाद ना आ चुके हम किचन रात का डिनर तैयार करने के लिए। तो वही सोच रही थी कि क्या सब्जी बनाए अभी, ऐसे तो दिन में ना कद्दू बनाया है तो कद्दू का सब्जी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अभी ना मैं झींगी बना लेती हूँ क्योंकि सुबह कद्दू बनाए थे। और अभी जो है ना चलिए बना लेते हैं झींगी की सब्जी और आलू और टमाटर और उसके साथ चना मिक्स की भी, झींगी में चना डालो ना तो वही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे रात का डिनर का करते हैं तैयारी। तो अभी बनने वाली है झींगी की सब्जी, तो यहाँ पे छील लेते हैं फ्रेंड्स। और अभी ना इस टाइम हो रही थी संध्या बत्ती करने के कुछ देर बाद जो है ना मैं किचन आई हूँ, और इस टाइम समय 7:30 बज रहे होंगे। और चलिए यहाँ पे ना कर लेते हैं पहले सब्जी की तैयारी। तो फ्रेंड्स इधर बन चुकी है मेरी सब्जी, और चलिए जल्दी से ना पूरी तल लेते हैं। अभी रोटी नहीं बनाएंगे, पूरी बना रहे हैं तो आज का रात के डिनर में पूरी सब्जी। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं फ्रेंड्स पूरी और सब्जी।
तो फ्रेंड्स देखिए, इतना सारा ना पूरी तैयार कर ली है और अभी ना बज चुका है रात के 9 और मेरा इधर ना डिनर भी हो चुका है तैयार। तो सोचे ना जब खाना बन चुका है तो फिर देर किस बात की, तो चलिए जल्दी से खाना खा लिया जाए और यहाँ पे ना गर्मा गर्म पूरी और सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स निकाल लेते हैं और इधर ना थाली हम लगा ले रहे हैं और ना दिन का मेरा जो है ना थोड़ा सा चावल भी बचा हुआ है तो वैसे चावल भी खा लेंगे और कद्दू और चने की सब्जी है जो दिन का बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दो सब्जियाँ ले ली है और चलिए पूरी निकाल देते हैं इनके लिए और मैं ना चावल ही खा लूँगी क्योंकि नहीं खाएंगे ना तो बर्बाद हो जाएगा, तो इसीलिए ना चावल खा लेंगे और थोड़े से ना हम भी पूरी खा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ना फ्रेंड्स आज का ब्लॉग को ना प्लान हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट।